मन के दो कारण यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, क्या क्या? उन इंद्रियों में मन जो अन्य सभी का प्रेरक है और दुर्जय है। दो कारण क्या देख रहे हैं हम लोग, प्रेरक और दुर्जय। तो प्रेरक का मतलब कि बिना मन के कोई इंद्रिय कार्य नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वही मेरी वाणी के द्वारा यहाँ आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। तो बिना सोचे हम कुछ बोल नहीं सकते, या बिना संकल्प किए हम कुछ नहीं कर सकते। मन के तीन विभाग होते हैं, यहां देखो, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। ये तीन, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचने की शक्ति। थिंकिंग मतलब हो गई सोचने की शक्ति, फीलिंग मतलब भावनाएं, जो भाव शक्ति है, एंड विलिंग, विलिंग मतलब संकल्प शक्ति। समझ रहे हैं? इस प्रकार से मन के तीन विभाग हो गए, कौन से? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। यस, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, इस प्रकार से तीन विभाग हो गए। तो इन तीनों के ही कारण हमारी इंद्रियां कार्य करती है, ध्यान रखना चाहिए। ये सब चीजें हमारी इंद्रियों के द्वारा व्यक्त होता है, जो हमारे मन में जो भावनाएं आती है, जो थिंकिंग आती है और जो संकल्प शक्ति होती है, वही हमारे इंद्रियों के द्वारा क्या होती है, व्यक्त होता है। जैसे आपने संकल्प लिया है कि आज यहाँ पर भगवद गीता का प्रवचन हो रहा है और मैं सुनूंगा, अब भले इसमें आपका मन लगे या ना लगे, लेकिन विलिंग पावर, संकल्प शक्ति वाला भाग तो लग गया। मन के तीन भाग देखे हमने, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, तो विलिंग पावर तो लग गया ना। विलिंग वाला जो भाग है माइंड का, वह भाग तो लग रहा है, वह भाग तो लगी हुई है, संकल्प शक्ति वाली भाग तो लगी हुई है ना। तो हो सकता है कि कुछ और सोच रहे हैं, आप गीता क्लास में गए हैं और हो सकता है कि आप कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी मन का दो तिहाई भाग तो लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। अगर अभी अभी फीलिंग नहीं आ रही है तो वह अभी धीरे धीरे आ जाएगी, ठीक है, प्रयास हम आएंगे तो आ जाएगी। तो मन जो है यह तीन कार्य करता है, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, और इनको जीतना बहुत जरूरी है। और अगर इसी मन को आप भगवान में लगा दिए तो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। एक और बात आप जानते हैं, हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि मन को हमेशा कुछ ना कुछ रस चाहिए, कुछ ना कुछ रस चाहिए, वह बिना वह खाली नहीं बैठ सकता, उसे कुछ ना कुछ सोचने के लिए चाहिए, ठीक है। और एक चीज देखिए कि हम अपने मन को किसी भी एक वस्तु में बहुत देर तक टिका के नहीं रख सकते, भले वह मोबाइल फोन हो, नया स्मार्टफोन हो, या फिर कुछ भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी हो, उसमें हम बहुत ज्यादा मतलब टिका के नहीं रख पाते अपने मन को, ठीक है ना। ठीक है, किसी लड़की बहुत सुंदर लग रहा है तो आप उनको कितना देर तक देख सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर हो गया, आप उससे अधिक नहीं देख सकते, है कि नहीं, है ना। इससे अधिक नहीं चल सकता हमारा मन, उसको नहीं देख सकता है। तो हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है वहां पर जब हम उसके प्रति अटैच्ड है, तो क्योंकि हमारा मन का स्वाभाविक रीत नहीं है वहां लगना। तो हमारा मन का स्वाभाविक रीत कहाँ है लगना, हमारे मन का स्वाभाविक रीत लगना है वह है भगवान के चरणों। एक बार अगर हमारा मन भगवान के चरणों में लग गया तो फिर ये मन कहीं नहीं भागेगा, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर यह भगवान के चरणों में नहीं लगा है प्रभु, तो फिर यह भागता रहेगा, ध्यान दीजिए इस बात को, वह भागता ही रहेगा। जब तक नहीं लगाया तब तक भागता रहे, इसलिए इसको ध्यान रखो। ओके, तो मन की स्वाभाविक स्थिति क्या है कि वह भगवान के चरणों में ही लगेगा। और अभी हमारा मन भाग क्यों रहा है, क्योंकि हमने इसको भगवान के चरणों में नहीं लगा करके भौतिक चीजों में लगा रहे, मोबाइल, लैपटॉप, लड़का, लड़की, ये वो, ऐसा वैसा, पैसे, इन सारी चीजों में लगा रहे। जैसे ही हम इसको भगवान के चरणों में लगा देंगे, हमारा मन लग जाएगा और फिर वहां पे ये फिक्स हो जाए। ओके,